अस्सलामुअलैकुम सचावनिस के साथ मैं राबे अली लिमिटेड में खुश आमदी। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खबरदार कर दिया, कहा कि IBM से इलेक्शन पर ही फंड्स मिलेंगे। काबीना इजलास के बाद गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर नहीं होते तो हुकूमत इसके लिए फंड्स नहीं दे सकेगी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को सिर्फ वहां फंड्स मिलेंगे जहां इंतखाबात EVM पर होंगे, क्योंकि कानून सिर्फ EVM पर होने वाले इंतखाबात को मानता है। आगे बड़ी खबर शामिल करेंगे, आपको बताएं कि सिंध हुकूमत के तर्जमान मुर्तजा वहाब का कहना है कि सिंध में खिलाफ जाब्ता तामीरात को रेगुलर करने का कानून तैयार कर लिया गया है। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने सिंध असम्बली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वो लोग जो नस्ला चाव पर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उन्होंने असम्बली से राह फरार इख्तियार कर ली। उन्होंने कहा कि पंजाब में जिस तरह यह कानून आया है इसी तरह का सिंध में है, सिर्फ एक पैरा शामिल किया गया कि एंटी इंक्रोचमेंट ड्रागों को फौरी तौर पर रोक दिया जाए। जब तक कमेटी फैसला नहीं करती, रिटायर्ड जजेस रेगुलराइज कमीशन का सरबरा होगा। मुतहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल मुस्तरद करते हुए 11 दिसंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए MQM के सरबराह खालिद मकबूल सदीकी का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने इस बिल के जरिए से शहरी इलाकों पर कब्जे की साजिश की, मुहाजरों को एक बार फिर दीवार से लगाने की तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। पाक संसदीय पार्टी ने सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में मुस्तफा कमाल सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी रियासत के खिलाफ काम कर रही है। क्या सिंध आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की जागीर है जिस मुल्क में सेनेटर MNA बिकता हुआ है? क्या वहाँ काउंसलर नहीं बिके? खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां पर बलदियाती मुलाजमीन की हड़ताल के बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गंदगी और कचरे के ढेर बादस्तूर मौजूद हैं। तनख्वाहों में कटौती के खिलाफ सैनिटरी वर्कर्स की हड़ताल तीसरे रोज भी जारी है। वर्कर्स फेडरेशन और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के दरमियान मुजाकरात नाकाम हुए। बलदियाती मुलाजमीन की हड़ताल के बाद जहाँ कराची में सूरत हाल इंतहाई खराब है, वहीं हैदराबाद, सखल, लाड़काना, तवाबशाह और सिंध के दिगर इजला में भी सफाई का निजाम दरहम बरहम हो गया है। मुल्क भर में HIV/AIDS से मुतासर अफराद की तादाद 2 लाख के करीब पहुंच गई। दुनिया भर में आज HIV/AIDS से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 2 लाख के करीब मरीज मौजूद हैं, लेकिन इलाज सिर्फ 22% मुतासर अफराद का हो रहा है। महकमा सेहत सिंध के हुकाम के मुताबिक मुल्क में तकरीबन 2 लाख के करीब HIV/AIDS के मरीज मौजूद हैं, जिनमें से 31% खवातीन और 3% बच्चे भी शामिल हैं। एड्स के ज्यादा मरीज स्ट्रेंज के जरिए मुनशियात के आदि अफराद और ख्वाजा सरा हैं। बड़े खबर शामिल करके कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर से, जहां पर कातिलाना हमले में जान बहक होने वाले सेक्रेटरी सिंध बार कौंसिल इरफान अली महर की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। सेक्रेटरी सिंध बार कौंसिल इरफान अली महर को आज सुबह इस वक्त टारगेट किया गया जब वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद वापिस घर जा रहे थे। वाकई की CCTV फुटेज भी सामने आ चुकी है, जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार हेलमेट पहने दो अफराद को इरफान अली महर की गाड़ी पर फायरिंग करते देखा जा सकता है। करेंगे मुजफ्फरगढ़ का, जहां पर तहसील कोर्ट उत्तू में मुबैना तौर पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के अहलेखाना के सामने खातून को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाने के केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। मुतासरा खातून ने पुलिस को दिया गया बयान अदालत में वापस ले लिया। मुतासरा खातून का अदालत में कहना था कि रात की तारीकी की वजह से वो मुलजिम को ना पहचान सकी। खातून के बयान के बाद अदालत ने मुलजिम पुलिस अहलकार को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। खबर शामिल करेंगे मंडी भावलदीन से, जहां पर डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को सजा सुनाने वाले सेशन जज को मुकला ने कमरा अदालत में मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बना दिया। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राव अब्दुलजब्बार की मुदय्यत में थाना सिवालाइन में मुकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। सेशन जज ने दरख्वास्त में मौकफ अपनाया कि इनके कमरे में वकीलों ने घुस कर धमकियां दी।
वकला ने डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई वापस लेने पर जोर दिया और इनकार करने पर उनको तशद्द का निशाना बनाया गया। बात करें कि पाकिस्तान में कोरोना सूरतेहाल की जनूबी अफ्रीका से सामने आने वाले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बाद नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने शादी हॉल्स, मजारात और दफातर के लिए नया हिदायतनामा जारी कर दिया। एनसीओसी की जानिब से वैक्सीनेशन कराने में पाकिस्तान के 40 शहरों को बेहतरीन या बेहतर करार दिया गया। नारोवा, जेहलू, इस्लामाबाद, मंडी, भावती, पिशावर, भिंबर, बागमीपुर, आजाद कश्मीर, स्कर्दू, हंजा, गिलगित, वजर और शक्कर को 50% से ज्यादा वैक्सीनेशन के बाद बेहतरीन करार दिया गया। अब बात करेंगे लाहौर की। लाहौर हाईकोर्ट ने हुक्म दिया है कि बच्चों से ज्यादती के मुकदमात का फैसला 6 माह के अंदर किया जाए। लाहौर हाईकोर्ट ने टोबा टेक सिंह के 6 साल बच्चे से ज्यादती के मुलजिम साजिद की जमानत खारिज करने का फैसला जारी करते हुए रिमार्क्स दिए कि जहां बच्चों को ज्यादती से बचाने की जरूरत है, वही बेगुनाह अफराद को झूठे इल्जाम से भी बचाना जरूरी है। इल्जाम झूठे निकले तो केस बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आगे बढ़े बात करेंगे चाटगा मेडिकल कॉलेज के तलबा रोशीन की मुबैना खुदकुशी के केस की तहकीकात में अहम पेशरफ सामने आई है। पुलिस ने तलबा से ज्यादती का इम्कान मुस्तरद कर दिया, जबकि मौत की हतमी वजह का तायुन मेडिकल और केमिकल रिपोर्ट आने के बाद होगा। एसएसपी लाड़काना के मुताबिक तलबा के कमरे से पुलिस को एक नहीं बल्कि 2 तहरीरी मिली है। एक तहरीर लाश के बिल्कुल करीब और एक नोटबुक से मिली। खबर शामिल करेंगे कोयटा से, जहां पर नवाकली में दरिंदा सिर्फ शख्स ने 9 साल बच्ची को ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस के मुताबिक कोयटा के इलाके नवाकोट में जरगुल की 9 साल बच्ची के साथ ज्यादती का केस रिपोर्ट हुआ और बच्ची से एरी गली में ज्यादती की गई। पुलिस सर्जन ने बच्ची से ज्यादती की तस्दीक करते हुए कहा कि बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के निशाना भी मौजूद है। बात करेंगे थाना तिकलाले पुलिस की अहम कार्रवाई हुई। कार्रवाई के नतीजे में बदनाम जमाना मनशियात को गिरफ्तार कर लिया गया। डीएसपी सर्कल और शहरा विका खालिद असलम की जेर निगरानी एसएचओ थाना तिकलाले सब इंस्पेक्टर जियाफत और दीगरान पर मुश्तमिल पुलिस टीम ने दौरान गश्त आला कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अरसा दराज मनशियात फरोशी के धंधे में मुलविस 2 मनशियात फरोश गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 2 किलो 840 ग्राम चर्स बरामद कर ली। गिरफ्तार किए गए मुलजिमान में खुरम और अरशद इलियास शामिल है। समाजी सियासी तंजीमों और इलाके के मकीनों का पुलिस को खराज तहसीन। इस मौका पर सिटी पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड सैयद अहमद आबिद ने कहा कि मुनशियात फरोश मुआशे का नासूर है, इनको कैफे किरदार तक पहुँचाएंगे, किसी को अपनी नस्ल के मुस्तकबिल से खेलने की इजाजत नहीं देंगे। खबर शामिल करेंगे गुजरावाला से, जहां पर सिटी पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड सैयद अहमद आबिद ने सुंदस फाउंडेशन गुजरावाला का विजिट किया। सिटी पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड सैयद अहमद आबिद ने सुंदस फाउंडेशन गुजरावाला का विजिट किया। दौरान विजिट थैलेसमिया और हीमोफीलिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों की तेमादारी की। सुंदस फाउंडेशन के चेयरमैन हाजी सरफराज अहमद ने सीपीओ को फाउंडेशन के मुख्तलिफ शोबाजात और वक्ती के मुतालिक ब्रीफिंग दी। इस मौका पर एसएचओ धुले सब इंस्पेक्टर इनफार मुनव्वर भी मौजूद थे। सीपीओ ने दौरान विजिट कहा कि खून इंसान के लिए इतना ही जरूरी है जितनी इसके लिए ऑक्सीजन जरूरी है। इसी सिलसिले में गुज़िश्ता रोज थैलेसीमिया, हेमोफीलिया, ब्लड कैंसर और दीगर मरीजों को खून की फराहमी के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन कुचरावाला में सुंदर्स फाउंडेशन की तरफ से पुलिस अफसरान की सुपरविजन में एक कैंप लगाया गया। सिटी पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड सैयद अहमद आबिद और पुलिस के जवानों ने खून का अतिया दिया, जबकि सुंदर्स फाउंडेशन के विजिट के दौरान सीपीओ ने मरीजों बच्चों में इंजेक्शन, डिस्ट्रॉल, इन्फ्यूजन पम्प, तहाइफ और खाना तकसीम किया। इस मौका पर सीपीओ ने कहा कि कीमती इंसानी जानों को बचाने के लिए खून के अतियात इंतहाई अहम और जरूरी है।
शावत्री का एक और एजाज गवर्नमेंट एमसी मोटल हाई स्कूल ने अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए इंटरनेशनल स्कूल्स अवार्ड में कामयाबी हासिल कर ली। अली रजा एहसन मुस्तफा, पीटी जहीर अहमद फारूकी, हेड पास्टर मलिक तलमीजुल हसनैन की खसूसी मेहनत और काविश से छिछावत्री को बड़ा एजाज हासिल हुआ। इस बड़ी कामयाबी पर पोसीसी ने इलाका सहाफी बरादरी उस्तादा कराम वालिदैन सिविल सोसाइटी बुकला सफर इकबाल इंसारी सदर तहसील प्रेस क्लब रजिस्टर्ड छिछावत्री सरवर जावेद चौधरी साबिक सदरबार चौधरी गुलाम दस्तगीर गुजर सदरबार चौधरी सज्जाद इकबाल गुजर एडवोकेट और उम्मीदवार सदरबार एसोसिएशन छिछावत्री मियां मोहम्मद जफर रहमानी जनरल काउंसलर मियां अब्दुल जब्बार रहमानी चेयरमैन तहसील प्रेस क्लब मलिक जावेद अली सदर पीएमसी चौधरी मोहम्मद असद रामे सीनियर नायब सदर पीएमसी चौधरी मोहम्मद अमजद यासीन सरपरस्त न्यू स्टार क्रिकेट क्लब मुफ्ती जहीर अहमद और दीगर अफसरान ने शिरकत की। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे डबल शाह से भी बड़ा फ्रॉड सामने आ गया। जानते हैं इस रिपोर्ट। डबल शाह से भी बड़ा फ्रॉड सामने आ गया। टॉप नॉच वर्ल्ड टेक्नोलॉजी लाहौर ने सरमायाकारी के नाम पर 10 से 14 फीसद माहाना मुनाफा का लालच देकर लोगों से करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लिए, जबकि इस कंपनी के खिलाफ एसईसीपी ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। यहाँ ऐसे कई घपलों की तलाश है जो गैर हकीकी मुनाफा की पेशकश करते हैं और बाद में सरमायाकारों के पैसे लेकर फरार हो जाते हैं। ऐसी तलाश सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान और जैसे दूसरे रेगुलेटरीज को माली घपलों में मुलविस कंपनियों की फैली शाया करने और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए तवज्जो दिलाती हैं। ऐसी चाले फ्रॉडिये पोंजी स्कीम की तर्ज पर चलते हैं। चंद माह कबल इसी तरह की कंपनी लासानी ग्रुप ऑफ कंपनीज ने हजारों लोगों को जिंदगी भर की जमा पूंजी से महरूम कर दिया था और इन कंपनी के मुतासरीन का कहना था कि लासानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के पाकिस्तान भर में दफातर थे जहाँ डबल मुनाफा का लालच देकर हमसे इन्वेस्टमेंट कराई गई। शामिल करके गुजरावाला से जहां पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर गुजरावाला मेयर फजिया के सर सदारत इजलास में वहाना कारकर्दगी का जायजा लिया गया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर गुजरावाला मेयर फजिया के सर सदारत रेस्क्यू 1122 का इजलास सेंट्रल रेस्क्यू स्टेशन पर हुआ, जिसमें वहाना कारकर्दगी का जायजा लिया गया। कंट्रोल रूम इंचार्ज मोहम्मद साकिब मुनीब ने बताया कि माह नवम्बर के दौरान रेस्क्यू 1122 गुजरावाला को मजमूई तौर पर 97,808 फोन कॉल्स मसरूफ दी, जिनमें से 5,680 इमरजेंसी कॉल्स थी। इनमें से 1,963 रोड ट्रैफिक हादसा, 3,017 मेडिकल इमरजेंसी, 69 आग लगने के वाकयात, 125 क्राइम केस, 30 डूबने के वाकयात, एक बिल्डिंग मध्यम और 502 मुतफरिक इमरजेंसी थी। रेस्क्यू 1122 गुजरावाला ने बर वक्त रिस्पॉन्स करते हुए मजमूई तौर पर 5,563 लोगों को रेस्क्यू किया, जिनमें से 2,040 अफराद को जाए हादसा पर इब्तदाई तबी इमदाद फराहम की गई और 3,523 मरीजों को अस्पताल में मुंतकिल किया गया, जबकि रोड ट्रैफिक हादसा में 28 लोग मौका पर जाँ बाँग हो गए। अब शामिल करेंगे मीरपुर आजाद कश्मीर से। मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मेजबानी में मुनक्किद होने वाली कंट्रोल ऑटोमोटिव और रोबोटिक्स लैब की पहली सनती नुमाइश का इफ्तिताह ब्रिगेड चीफ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनस जावेद अपने दस्ते मुबारक से कर रहे हैं। डीपीओ शेखपुरा एस एल सैफुल्ला के अहकाम के पेश नजर डीएसपी और एसएचओ ने अपनी पुलिस टीम के हमरा आला कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अब्दुलरहमान और वकाका डिकेत गैंग के 5 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। एसएचओ थाना शरफपुर ने अपनी पुलिस के हमरा आला कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अब्दुलरहमान और वकाका डिकेत गैंग के 5 अरकान को गिरफ्तार करके दौरान तफ्तीश इनके कब्जे से नकदी रकम और 2 अदद पिस्टल, 30 बोर और 10 अदद मोबाइल फोन से 3 अदद मोटरसाइकिल बरामद कर लिए। अब्दुलरहमान उर्फ काका डिकेत गैंग संगीन वारदातों में मतलूब थे, जो मोटरसाइकिलों पर मुख्तलिफ शाहराहों पर सिग्नल रोड, सर्विस रोड, शॉप रॉबरी, दुकानात पर असलहे के जोर पर मोबाइल फोन से मोटरसाइकिल छीन लेते थे, जिनकी गिरफ्तारी से थाना शरफपुर के 17 मुकदमान ट्रेस हुए। और वेस्ट इंडियन क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया गया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 3 T20 मैचेस और
तीन एक रोजा मैचों की सीरीज का आगाज 13 दिसंबर से होगा और तमाम मैचेस कराची के नेशनल स्टेडियम में खेले जाएंगे। पुलिस हुकाम के मुताबिक दौरे का सिक्योरिटी प्लान SSU हेडक्वार्टर्स में DIG सिक्योरिटी एंड एमरजेंसी सर्विस GM मकसूद अहमद की सरबराही में होने वाले इजलास में तैयार किया गया। इजलास में पुलिस और रेंजर्स समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों के सीनियर अफसरान ने भी शिरकत की। मैच 13 दिसंबर से होगा और तमाम मैचेस कराची के स्टेडियम में खेले जाएंगे। इस स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए सजावल न्यूज, क्योंकि हम लाते हैं हर खबर आपके लिए।